स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में। सो गाइस, रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार दिया गया है, जो भौतिकी में दिया गया है उसका वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, सो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पेन कागज़ होगा तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक होता है, सो फॉरगेट मैक्सिमम हो जाता है हमारे माइंड से। सो अगर इसको कहीं नोट कर लेंगे तो आने वाले समय में आप उसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में वो सेटअप हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान में 2022 का नोबल पुरस्कार अमेरिका के रसायनक कैरोलिन आर बर्टोजी, ये नाम याद रखना, और केवी सार्पलेस तथा डेनमार्क के मार्टिन मेल्डल को क्विक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोलन केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। प्लीज़ ये नाम जरूर याद रखना कि किसके लिए दिया गया है, तो क्विक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोलन केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम के लिए प्रदान किया गया है। सो क्विक केमिस्ट्री क्या है इसको देख लेते हैं। सरल शब्दों में क्विक केमिस्ट्री जो होती है, समान व्यवहार रखने वाले छोटे छोटे अणुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, सारा कुछ नहीं पता रहा, बस आपको ये भी सेगमेंट याद रहा तब भी आपको पता हो जाएगा कि क्विक केमिस्ट्री क्या होता है। यह विज्ञान की एक शाखा है जो अणुओं के संयोजन की खोज करती है। इसका उपयोग क्या है? क्विक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोलन अभिक्रियाओं का प्रयोग भविष्य में इंसानों और जीव जंतुओं के शरीर में ऐसे अणु बनाने में होगा जो उन्हें निरोग रख सकेंगे। से हमारे भविष्य के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट ये आविष्कार है। सो इसको पेपर में नहीं भी आता है तो भी प्लीज़ आप माइंड रखना, अगर आप कहीं पे भी इसको पुटअप करते हैं तो आपके आंसर राइटिंग, आपके एसे राइटिंग में वेटेज होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्विक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोलन अभिक्रिया का प्रयोग भविष्य में इंसानों और अन्य जीवों के शरीर में ऐसे अणु बनाने में होगा जो उन्हें निरोग रख सकेंगे। क्विक केमिस्ट्री डीएनए में बदलाव करने और कैंसर उपचार की दवा बनाने में उपयोगी होगा। ठीक है, क्विक केमिस्ट्री की आवश्यकता, कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों को शामिल करने वाली प्रतिकृति अभिक्रिया यानी रिप्लिकेटिंग रिएक्शंस महंगी होती है और इनमें अक्सर साइड रिएक्शंस और सामग्री की हानि होती है। क्विक केमिस्ट्री में कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करने की कोशिश करने के बजाय यह छोटे अणुओं जिनमें पहले से ही एक अणु कार्बन फ्रेम होता है का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरल अभिक्रियाएं यहां परमाणुओं के एक साथ बंधने के लिए एक मजबूत आंतरिक प्रवृत्ति होती है, सामग्री के नुकसान के साथ साथ अवांछित अभिक्रियाओं से बचा सकती है। ओके, सार्पलेस क्विक केमिस्ट्री पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इससे पहले उन्होंने 2001 में इससे पहले पुरस्कार जीता था। सो प्लीज़ ये नाम भी जरूर याद रखना कि सार्पलेस क्विक केमिस्ट्री पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इससे पहले उन्होंने 2001 में इस विषय में पुरस्कार जीता था। ओके, ये जो क्विक केमिस्ट्री के लिए विनर हैं, ये सेकेंड विनर हैं। इसके पहले 2001 में भी विजेता घोषित किया जा चुका है। सो हमने देख लिया कि क्विक केमिस्ट्री होता क्या है और हमारे भविष्य में इसका उपयोग क्या है। सो अगर आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट या अवेयरनेस के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।